राइट, सो हवा भर दी है, वाइजर अभी पूरा बंद है और बंद वाइजर में कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, 30 स्पीड। तो अभी हम लोग वाइजर ओपन करते हैं थोड़ा सा। आई रियली डोंट नो कैसी हवा आ रही है और कैसी आवाज़ आ रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था आज का, दो वीडियोस एडिट किए, एक अपलोड हो गया और अभी थोड़ा हल्का ले रहा हूँ, हवा खाने बाहर निकला हूँ। यार कोरोना में ज़िंदगी झंड हो गई है यार। किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है जब से मैंने 1100 रुपए का पेट्रोल डाला है। सो मैंने जब भराया था 1100 का तब 85 रुपीस था, राइट? तो 85 डिवाइड बाय 1100 यानी अराउंड 12 लीटर का पेट्रोल, और 12 लीटर के पेट्रोल में अगर गाड़ी 500 चल रही है, नॉट बैड। अरे स्कूटी वाले लोग, उसको खुद को नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे बेचारा। और चचा कैसे हो? चलो भैया जाने दो धीरे धीरे यार, यहाँ पे टर्न्स लेना भी बहुत टेंशन का काम है। आई डोंट नो वाई बट आई फील लाइक मैंने ग्लव्स थोड़े टाइट पहन लिए हैं बिकॉज मुझे फिंगर पे अजीब सी टिंगलिंग हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे ख्याल से मैंने आखिरी बार इसमें फ्यूल भरवाया था जुलाई में। सो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर चल रहा है और ख़त्म होने आ गया एक टैंक फुल। बट वही है, मैं डेली नहीं चलाता, लाइक 3 दिन में एक बार, वीक में 2 बार। गियर चेंज करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, चेन लूज़ हो चुकी है, उसका भी एक बार करना पड़ेगा काम। अब हम लोग वाइज़र डाउन करके थोड़ा चलाएंगे ताकि अगर अब तक की आवाज़ पूरी ख़राब हो चुकी होगी तो शायद कुछ तो बच जाए वीडियो में डालने के लिए। ओह माय गॉड, डूड, यहाँ के रोड्स कभी नहीं सुधरेंगे। सो अभी मैंने वाइज़र बंद कर लिया है एंड आई रियली होप कि उसके साथ हमारा सारा अटैचमेंट लगा हुआ है, राइट? सो हेलमेट बंद करने के बाद कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि गोप्रो की वजह से वेट बहुत बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी नहीं आ रही है ज़्यादा, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है। करेंटली मैंने जो हेलमेट पहना है LS2 का, वो काफ़ी ओल्ड है, लाइक 6 ईयर्स 7 ईयर्स ओल्ड। नहीं यहाँ पे नहीं जाएंगे, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। काफ़ी दिमाग चलाने के बाद मुझे पता चला कि हमारा GoPro जो है वो 2.7K पे रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड तो कर लेता है बट हमारा PC जो है वो थोड़ा गरीब है और उसको 2.7K बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया चेंजेस करने का जिससे मैं 2.7K में एडिटिंग और रेंडरिंग कर पाऊँ, वरना बहुत टेंशन है। दुकान खुली है, बाइक ट्रैक पॉइंट्स, अगर आप डोंबिवली में रहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, सही लोग हैं ये लोग। तो मैं फ्रंट टायर में अराउंड 30 PSI भरवाता था पहले, और जिस समय मैकेनिक से मैं करवाता हूँ काम, उसने बोला कि 28 करो बिकॉज़ ये गाड़ी 28 पे ही सेक्सी चलती है। चल तो रही है, नो डाउट 28 पे भी चल रही है, बट वही यार कोल्ड और हॉट टायर, वार्म टायर, उसका झोल झपाट मेरे को समझता नहीं है।
यस, अंधाधुंध रोड पे टर्निंग, इसीलिए यहाँ पे हद से ज़्यादा स्पीड पे ना भगाएं। यहाँ की पब्लिक बहुत अजीब है, कभी भी टर्न मारती है यू बिना इंडिकेटर, बिना देखे, स्पेशली स्कूटी वाले। CVR की आवाज़ बहुत स्वीट है, मैं अगर शांत हो जाऊँ तो शायद इंजन की आवाज़ सुनाई दे, शायद। बस इससे ज़्यादा मुझे भगाना पसंद भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसे रोड्स पे स्ट्रेच करके गाड़ी को। मज़ा आ रहा है, फिर से एक बार वाइजर खोल देते हैं। कैसे जा रहे हैं लोग, ना मुन्ना ना घुमा लो, कोई मतलब नहीं है मुन्ना, घुमा लो, यस घुमा लो, प्यार से धीरे धीरे घुमा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना पेट्रोल वेस्ट करूँगा ट्रैफिक में उतने में मैं घर पहुँच जाऊँगा, सो इट्स नेवर वर्थ इट। अरे यार अंकल फ़ोन पे बात मत करो, फ़ोन पे आप बात कर रहे हो फट मेरी रही है। उफ़, रेस्ट इन पीस कॉन्सेप्ट। सो भाई खराब एरियाज के लिए आई डोंट थिंक होंडा CVR इज़ अ गुड बाय, बिकॉज ट्रैक फोकस मशीन नॉट रियली मेड फॉर सिटी ट्रैफिक। ट्रैक पे चलाओ, घाट्स में चलाओ, लॉन्ग राइड्स पे चलाओ, यू विल एंजॉय इट, मतलब एकदम प्यार में पड़ जाओगे। बट सिटी में आते आते फिर गाड़ी रोने लगती है बहुत बुरी तरीके से और सारा फील ख़त्म हो जाता है। देखो स्कूटी वाली आंटी हमसे आगे जा रही है, क्या गियर चेंज करना नहीं कुछ नहीं, खींचो बस, और हम इधर फर्स्ट गियर सेकंड गियर खेल रहे हैं। ए भगवान इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर, आंटी एकदम बीच में चला रही हैं, इनको ओवरटेक करना मतलब रिस्क, एंड वी डोंट टेक रिस्क, आराम से चलाएंगे, क्रूजिंग कर देख रहे हो आंटी 50-55 चला रही हैं आंटी फुल सिटी में, मजा नहीं लाइफ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इतने दिनों में मैं चला रहा हूँ बट रेडिएटर फैन चालू नहीं हो रहा यार, हालांकि बाइक हीट भी नहीं हो रही है। तीन डंडे ही हैं, पिछले 9 महीने से आई गेस चालू नहीं हुआ फैन, एटलीस्ट मैंने होते हुए देखा नहीं, आई हैव नो आइडिया व्हाई। यस दैट्स इट, शाम हो रही है प्यारी प्यारी, अभी इतना देर चला है बट दर्द नहीं, बस वही एक गले में दर्द हो रहा है अब तो, अब कंधे पे नहीं हो रहा है, अब गले में हो रहा है मेरे। भैया दिखाई नहीं दे रहा अपर से, भैया अपर बंद कर दो भैया प्लीज। यार अगर कोई अगर अपर यूज करता है और देख रहा है ना ये वीडियो तो प्लीज प्लीज अपर बंद कर दो यार, मत अपर यूज करो यार, सिटी में बहुत कष्ट होता है चलाने को गाड़ी। हाँ अगर ऐसा डिवाइडर तो क्या ही टेंशन, बट हर जगह डिवाइडर नहीं होता यार। ओ मैन सेक्सी बॉय हिमालयन, आराम से, चार डंडा कब होगा, सेकंड गियर चग अलोंग, कुछ छपरी लोग डायरेक्ट यहां से क्रॉस, कुछ क्या सारे के सारे छपरी हैं। देखो कैसे जा रहे हैं ये, देखो ये वाओ अंकल वाओ, ये एक अच्छे अंकल हमारे जिक्सर वाले,
यार सच्ची में कुछ कुछ जिक्सर वाले बहुत अच्छे होते हैं. प्रॉप्स अंकल, प्रॉप्स, यू आर डूइंग गुड. प्यार से स्पोर्ट्स बाइक अंकल, स्पोर्ट्स बाइक. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि माइलेज कैसे बढ़ाएं गाड़ी पे. और काफ़ी आसान है एक्चुअली, यू जस्ट हैव टू बी अ सेन राइडर. दिमाग ठंडा करके गाड़ी चलाओ, प्यार से चलाओ, माइलेज मिलेगा. बट इसका ये मतलब नहीं है कि 5वां गियर डाल के 2000 आरपीएम पे हाफ क्लच पे गरगर करो, उससे भी माइलेज किल होगा. यू हैव टू यूज द ऑप्टिमल पावर, यू नो, इंजन का ऑप्टिमल पावर जहाँ होता है उसमें रखो. करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब डिस्कस करेंगे. एंड नॉट ओनली आपके ड्राइविंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे, बट हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ब्रेक्स कैसे यूज़ करने चाहिए, क्लच कैसे यूज़ करना चाहिए. एंड दिस इज़ ऑल फॉर जस्ट माइलेज. CBR को तो लिटरली बस क्लच छोड़ो, धीरे धीरे चलती रहेगी ट्रैफिक में. देखो जीरो थ्रॉटल, चप्पू की तरह पैर चला रहा हूँ. Oh my god.